हेलो एन एवरीवन, मैं आपका दोस्त मुकेश मिस्त्री फिर से एक नया वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज के जो वीडियो है इसमें आपने थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज के वीडियो से हम क्या बताएंगे। तो सबसे पहले जो बात है कि यदि सीटी का जो सीट है उसके लिए आपको कंफर्म करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट के बाद भी क्या आप सीट को कैंसिल कर सकते हो, और कैंसिल कर दिया उसके बाद जो पैसा आपने पे किया था क्या वो वापस आएगा, और आएगा तो कैसे आएगा, ये सारे जो प्रोसेस है आज के जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक करना, जिससे मेरे इसी तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और किसी प्रकार का डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए जिससे उन्हें भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात यह है कि कई लोग को ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मिला है जो उनको पसंद नहीं आ रहे, और पसंद नहीं होने के कारण उनको सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना पड़ रहा है, थर्ड काउंसलिंग में भाग लेना पड़ रहा है। उसके बाद भी यदि किसी को सब्जेक्ट पसंद नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उन्हें वो जो पैसा पेमेंट किया था, ठीक है, क्योंकि सीट को सेकंड काउंसलिंग और जो थर्ड काउंसलिंग है उसमें भाग लेने के लिए उनको फर्स्ट काउंसलिंग में ही फीस पेमेंट करना पड़ा था, और वो पैसा उनका वापस आएगा कि नहीं यदि वो सीट को कैंसिल करता है तो, ठीक है, तो और आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। तो इसमें आईजीक्यू के जो नोटिस है उसमें क्लियरली लिखा है पैसा वापस आएगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपको जैसे अभी कोई भी सीट मिला है, ठीक है, आज तो सब में दिखा देगा, आप उसमें MIS में भी आ जाएगा शाम तक, और अभी तो आप जाओगे तो आपका जो ई कृषि पाठशाला है उसमें आप अपना ID वगैरह डालोगे, फिर से वो दिखा देगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला है। अब उसको कंफर्म करने के लिए आपको कल 16 से आपका 20 तक आपका डेट दे, उसमें आपका पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका सीट कंफर्म होगा। अब उसके बाद सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग का भाग ले सकते हो, ठीक है, और भाग लेने के बाद भी सीट पसंद है तो उसको इजीली कैंसिल कर सकते हो। अब पैसा कैसे वापस आएगा, ठीक है, उसके बारे में पहले हम डिस्कशन करते हैं। ये देखिए आपका जो आईजी के भी नोटिस है उसमें क्लियरली लिखा है कि जिन्होंने भी सीट आपका कंफर्म किया है, ठीक है, या पैसा पेमेंट कर दिया है, ठीक है, उनको सीट अभी क्या करना, उनको लेना नहीं है, उसको कैंसिल करना है, ठीक है, प्रवेश लेना ही नहीं चाहता है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो भी विद्यार्थी होंगे उनके जो आपका CET के टाइम जो भी आपने आपका ID या पासपोर्ट होंगे, ठीक है, User ID, उसको क्या करना है, MIS में जाना है और वहाँ पे आपको लॉगिंग करना है। लॉगिंग करने के बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस, जैसे लॉगिंग करोगे वहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा हो जाएगा आपका सीट विड्रॉल ऑप्शन करके हो रहेगा, उसको आपका सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आपने सीट विड्रॉल जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दिया, उसके पश्चात जो अलाटमेंट, जितना सारे सीट का अलाटमेंट हुआ था वो सारे के सारे जो लिस्ट है आपके सामने दिखाई देगा। उसके बाद सिंपल से क्या करना है, जो विड्रॉल जो सीट होंगे बटन वहाँ पे लिखा होगा आपका विड्रॉल सीट, उसको क्या करना है आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद उन रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपने CET के साइन जो भी मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपका एक OTP आएगा। OTP आने के बाद उसको वेरीफाई करना है, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, OTP को डालना है, फिर उसको सबमिट करना है, ठीक है, उसका ऑप्शन आएगा। जैसे आपने उसको सबमिट या कन्फर्म कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बात आता है पैसा कैसे आएगा। अब सीट कैंसिल हो गया, अब जिस अकाउंट से आपने कटवाए थे पैसा, ठीक है, यदि खुद का अकाउंट है तो सही है, और दूसरे के अकाउंट से कटाए तो दूसरे के अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे आपका कन्फर्म हो जाएगा आपने जिस अकाउंट से पैसा कटाया था उस अकाउंट में पैसा आपका वापस आ जाएगा, और आपने का जो जितना भी पेमेंट किया उसमें से 1000 रुपये आपका कट जाएगा, और बाकी जितना सारे पैसा है वो सारे के सारे आपका अकाउंट नंबर पे आ जाएगा। और इस प्रकार यदि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट काउंसलिंग होगा उसमें आप किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकते, आपको निरस्त किया जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा कि आप नेक्स्ट काउंसलिंग में भाग ले, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। यदि आपने कैंसिल कर दिया तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, और जितना पेमेंट दिया उसमें से 1000 रुपये बस कटेगा, बाकी जितना आपने पेमेंट किया था वो सारे के सारे आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस यही आपको बताना था, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।